नमस्कार, जे एन आई न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी से आ रही है। थाना जैतपुर पुलिस मुठभेड़ से फरार अपराधी गिरफ्तार, जिसका खुलासा अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी मनोज कुमार पांडे ने किया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी सदर राम सूरज सोनकर, कोतवाली प्रभारी जैतपुर धर्मेंद्र रघुवंशी, स्वाट टीम प्रभारी विवेक कुमार सिंह, उप निरीक्षक मदन पाल थाना जैतपुर मौजूद रहे। देखिए बाराबंकी से संवाददाता कुलदीप वर्मा की खास रिपोर्ट। देखिए, जनपद बाराबंकी में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम करने के लिए और उनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में कल जैतपुर थाना अंतर्गत एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक अपराधी अरेस्ट हुआ था, एक दूसरा मौके का फायदा पाकर भाग निकला था। और उसी गिरफ्तारी के लिए क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में और इंस्पेक्टर जैतपुर के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी और इनकी टीम को बड़ी सफलता मिली है। इस अपराधी को अरेस्ट किया गया है, इसका नाम है इखलाक। इसके ऊपर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। इसके पास से करीब 500 ग्राम मार्फीन बरामद हुई है, 70,000 रुपये नकद में जमा तलाशी में मिले हैं और ये अभियान अनवरत चलता रहेगा इनके खिलाफ। और इनका तरीका ये था, ये झारखंड से कच्चा माल लाते थे और उसको तैयार करके ये दिल्ली या लखनऊ आसपास काफ़ी दूर तक इनका नेटवर्क फैला हुआ, वहाँ सप्लाई था। आज इसकी गिरफ्तारी हुई, जेल भेजा जा रहा है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की।